will wipe. हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर लैंड। तो आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ, उस मूवी का नाम है योर कब्जे सोसाइटी। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। वार्निंग, वेलकम टू हॉरर लैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी की शुरुआत में हैदरगढ़ नाम की एक औरत को पूरे टाउन के लोगों के सामने फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, जिसका गुनाह यह था कि उसने डेमन का साथ दिया है और उसके साथ में मिलकर उसके बच्चे को जन्म दिया है। फिर वहाँ पर मैथ्यूज नाम का एक आदमी आता है और उसे अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है और उसे उसकी बेटी के बारे में भी पूछता है, लेकिन हैदर उसके मुंह पर थूक देती है और तब मैथ्यूज उसे कहता है कि वो उसकी बेटी को कहीं से भी ढूंढ निकालेगा और उसे मारकर धरती से इस गंदे खून को खत्म कर देगा। फिर मैथ्यूज उसे एक जगह पर बांध कर आग लगा देता है और तब हैदर मैथ्यूज को श्राप देती है कि उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी और जब तक एक भी ग्रह जिंदा रहेगी तब उस मैथ्यूज एलिस्टर की आत्मा भटकती रहेगी। और फिर हैदर टाउन के लोगों के सामने ही तड़पते हुए जलकर मारी जाती है और ये सब होते हुए उसकी बेटी भी दूर से देख रही थी। अब सीन कट होता है और शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर हम एम्बर ग्रे को देखते हैं, जिसने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और एम्बर को एक लॉकेट देती है जो कि उसकी माँ का था और उसे वहाँ पर फ्रेंड बनाने के लिए कहती है, लेकिन एम्बर को फ्रेंड्स बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। एम्बर जब उसके हॉस्टल के रूम में एंटर करती है तो वहाँ पर ऑलरेडी उसकी रूममेट थी जिसका नाम क्रिस्टन था और वो काफ़ी बातें करने लगती है और वो उसे उसके विचेस के बारे में, की गई रिसर्च के बारे में और यॉर्कविच सोसाइटी के बारे में उसे बताती है, जो कि औरतों के थ्रू बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें सभी विचेस जैसे रोल प्ले करती है, लेकिन इन रियल वो सभी इंसानी थी। पर एम्बर इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। फिर इसके बाद में यूनिवर्सिटी जाते हुए क्रिस्टन एम्बर को यॉर्कविच सोसाइटी के मेंबर के फोटोशूट दिखाती है और फिर अपना लेक्चर अटेंड करने के लिए वो दोनों क्लास में चली जाती है, जहाँ पर उनके लेक्चरर विचेस को बुरी तरह से मारने पीटने और उनकी फैमिली बच्चों को बुरी तरह से टॉर्चर करने के बारे में बता रही थी और प्रोजेक्टर पर विचेस फाइंडर की फोटो को भी दिखाती है, जिसे देखकर एम्बर अग्रेसिवली कि वो उन औरतों की फैमिली पर हुए अत्याचारों को ऐसे बता रही है जैसे कि वो शॉपिंग लिस्ट को गिना रही हो, और ये सब कहते हुए एम्बर की पिच इतनी ज़्यादा हाई होती है कि उस लेक्चरर के कान से खून आने लगता है और वो वहाँ से भाग निकलती है। फिर वो प्रोजेक्टर भी बंद हो जाता है और सभी एम्बर की इस बोल्डनेस को देखकर वहाँ पर क्लैप करने लगते हैं। इसके बाद जब एम्बर वहाँ से बाहर निकलती है तो यॉर्कविच सोसाइटी की सभी मेम्बर्स उसे उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन एम्बर को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और उन्हें मना कर देती है। तब भी वहाँ पर एक लड़का आकर एम्बर को हेड ऑफिस में बुलाकर ले जाता है, क्योंकि उस लेक्चर ने एम्बर की बदतमीजी के लिए यूनिवर्सिटी के हेड को एम्बर की कंप्लेंट की थी, जिससे कि उसे इस यूनिवर्सिटी से सस्पेंड करने वाले थे। लेकिन तभी एलेंडा नाम की औरत वहाँ पर आ जाती है, जो कि यॉर्कविच सोसाइटी की मेंबर थी, और वहाँ पर आकर हेड से एम्बर को एक और चांस देने के लिए कहती है, पर इसके बदले में उसे उनके ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। अब अगले सीन में हम यॉर्कविच सोसाइटी के मेंबर्स को देखते हैं, जिनका नाम एलेंडा, कैट, जेसिका, फ्लोरा, एमली और शार्लेट था, जिनके बीच में एम्बर को लेकर वोटिंग हो रही थी। फिर उसी रात 7 बजे वो एक जगह पर गैदरिंग रखते हैं और उस जगह का नाम द बर्निंग बेल होता है, और वहाँ पर मजबूरन क्रिस्टन को भी एम्बर के साथ में जाना पड़ता है और बाकी सारी मेंबर्स वहाँ पर ऑलरेडी थी। एम्बर उनकी सारी बातों को बकवास समझती है और उसे ये सब एक मजाक लग रहा था। तभी एलेंडा एम्बर पर नाराज हो जाती है कि एक तो उसने उसे कॉलेज से निकल जाने से बचाया था और एम्बर उनके रिचुअल्स का मजाक उड़ा रही थी। तब एम्बर ने चाहते हुए भी उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। फिर वो मेंबर क्रिस्टन और एम्बर को ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 3 टेस्ट पास करने के लिए कहती है। पहले टेस्ट में उन्हें डेयरिंग दिखाकर रात 11:45 पर कॉलेज की बेल बजाकर जोर से अपना नाम चिल्लाना होगा, जिस टास्क को क्रिस्टन तो इजीली कर लेती है, लेकिन जब एम्बर वो टास्क परफॉर्म करने जाती है तो वो बहुत ही धीरे से उस बेल पर हैमर से मारकर अपना नाम बोलती है, लेकिन तभी उसके हाथ से वो हैमर गिर जाती है और उसे ही चोट लग जाती है। देन अगेन वो हैमर उठाकर बेल पर मारती है और जोर से अपना नाम चिल्लाती है, जिसके बाद हमें मैथ्यूज एलिस्टर की ग्रेव दिखाई जाती है, जिसमें दरार पड़ती है और उसमें से एक काला धुआं निकलता है, जैसे कि उसकी आत्मा उसकी ग्रेव से आज़ाद हो चुकी हो। तभी वहाँ पर प्यून आ जाता है और उन्हें देख लेता है, जिससे कि उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। फ्लोरा भागते भागते हाँफने लगती है और थक कर रुक जाती है,
लेकिन तभी स्ट्रीट लाइट अचानक बंद हो जाती है और वहाँ पर अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन वहाँ पर उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो बुरी तरीके से घबरा जाती है। वो तभी कोई एंटिटी उसे घसीट कर वहाँ से ले जाती है। अब सेकंड टेस्ट देने के लिए ये सभी उसी जगह द बर्निंग बेल पर जाते हैं जहाँ पर एम्बर और क्रिस्टन को एक डॉल बनानी होती है और कुछ मंत्र सीखने होते हैं और उस ग्रुप के बाकी लोग रिचुअल की तैयारी कर रहे होते हैं। और अदर साइड जेसिका फ्लोरा को ढूंढने के लिए उसके रूम में जाती है लेकिन उसे वो वहाँ पर नहीं मिलती है। फिर इसके बाद क्रिस्टन और एम्बर अपनी डॉल्स बना लेती है और फिर क्रिस्टन कुछ मंत्र याद करने की कोशिश करती है जिसे देखकर एम्बर उसे ये कहती है कि ये तो कोई मंत्र नहीं है और इनफैक्ट ये एक नर्सरी की राइम है। एम्बर को सारे मंत्र बिना देखे याद होते हैं और ये सब देखकर क्रिस्टन को लगता है कि एम्बर एक विच है। फिर इसके बाद वो सभी एक सर्कल के अंदर स्टार बनाकर अपनी अपनी डॉल्स लेकर आसपास खड़ी हो जाती है और फिर क्रिस्टन को एक मंत्र बोलने के लिए कह देती है लेकिन क्रिस्टन उसे ठीक से बोल नहीं पाती है जो कि उनका टेस्ट था जिसमें एम्बर उसकी हेल्प करती है और फिर वो एक मंत्र बोलने को कहती है जिससे कि सभी आत्माओं को मुक्ति मिल सके। एम्बर जब उस मंत्र को बोलने लगती है तब उसके गले का लॉकेट अपने आप ग्लो करने लगता है और उन्हें अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगती है जिससे कि वो सभी थोड़ा डर जाते हैं और एक शेडो को उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है जिसके बाद वो सभी डिनर करते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं। क्रिस्टन और एम्बर साइड में बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी क्रिस्टन उसे कहती है कि उसने एम्बर के पेंडेंट को एक विचक्राफ्ट की बुक में देखा था लेकिन एम्बर उसे कहती है कि तुम गलत हो और ये मेरी मॉम का है। फिर एम्बर उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से उठकर शार्लेट के साथ बाहर चली जाती है जिसके बाद शार्लेट कार में कुछ लेने के लिए जाती है और एम्बर बाहर किसी को देखती है लेकिन वहाँ पर फोग होने की वजह से उसे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर एम्बर को किसी के चीखने की आवाज़ आती है। जब एम्बर शार्लेट को कार की लाइट जलाने को कहती है लेकिन तब तक शार्लेट वहाँ से गायब हो चुकी थी और फिर एम्बर को उसकी नज़रों के सामने वही सीन याद आता है जब हैदर को जलाया गया था और उसे मथियास भी दिखाई देता है जो कि उसे ग्रे कहकर बुला देता है। फिर जब एम्बर को शार्लेट मिलती है तो उसे कोई गले में फंदा डालकर खींच लेता है और एम्बर उसे बचा नहीं पाती है। अब एम्बर रोते हुए उन सभी के पास में जाती है और उनसे कहती है कि शार्लेट को कोई लेकर गया है और एलेंडा बाहर जाकर उसे ढूंढना चाहती थी लेकिन एम्बर उसे बाहर जाने के लिए मना कर देती है पर वो एम्बर की नहीं सुनती है और ग्रुप के सभी मेंबर बाहर जाकर शार्लेट को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और केट जनरेटर ठीक करने के लिए चली जाती है और दूसरी तरफ वो सभी शार्लेट को ढूंढ रहे होते हैं कि अचानक से एमिली उनसे अलग हो जाती है और फ्लोरा की लाश उनके सामने एक पेड़ पर उल्टी लटकी हुई होती है जिसे उन डेमन ने बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला था और उसके फेस में बड़ी बड़ी कीलों को घुसा दिया गया था जिसे देखकर एमिली जोर से चीखती है और उसकी आवाज़ सुनकर सभी के सभी वहाँ पर आ जाते हैं और डर कर वहाँ से वापस भागकर कॉटेज में चले जाते हैं। तभी केट का भी कोई मुंह पकड़कर उसे वहाँ से उठा ले जाता है। सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टन उन्हें एक बुक में देखकर ये बताती है कि कोई विच हंटर है जो कि विचेस का शिकार कर रहा है जिसके बाद में अलांडा उसे कहती है कि वो कोई विच नहीं है और शार्लेट अभी बाहर है हमें उसे बचाना ही होगा। फिर वे सभी एम्बर को अजीब तरीके से देखने लगते हैं और उन्हें लगता है कि एम्बर एक विच है। तभी बाहर किसी का गेट नॉक करने की आवाज़ आती है और डेमन उन्हें केट की आवाज़ में उन्हें बुलाने लगता है और एम्बर जब गेट के पास में जाती है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर केट नहीं बल्कि वो डेमन उसका कटा हुआ सर लेकर बाहर खड़ा है जिससे कि वो उनसे वहाँ का गेट खुलवा सके और वो अंदर आ सके क्योंकि वो डेमन बिना उनकी इजाज़त के अंदर नहीं आ सकता था और अगर वो उसे अंदर इन्वाइट करते तो वो अंदर आकर उन सभी को मार देता। फिर वो डेमन केट का सर वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब एम्बर उस बुक में पढ़कर उस विच हंटर का पता लगा लेती है जो कि मथियास एलिस्टर था जिसे कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। एम्बर को अपनी रियल आइडेंटिटी का पता चल जाता है कि वो हैदर ग्रे की वंशज एम्बर ग्रे है जो कि एक विच है। वो फिर उसके गले का लॉकेट अगेन ग्लो करने लगता है और ये सब जानकर वो सभी लड़कियां बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने के लिए डिसाइड करती है ताकि वो पुलिस की हेल्प ले सके। फिर वो सभी कार की कीज़ को ढूंढने के लिए जाती है जो कि बाहर कहीं पर गिर गई थी और वो कार की कीज़ एम्बर को मिलती है। फिर एम्बर उन सभी लड़कियों को अपने साथ में चलने के लिए कहती है और फिर वो सभी कार में बैठकर वहाँ से निकलने वाली थी लेकिन कार आगे नहीं बढ़ती है और तभी हम देखते हैं कि वो डेमन शार्लेट को कार और पेड़ के बीच में बांधकर चला गया था। शार्लेट चिल्लाने की भी कोशिश करती है लेकिन कार के शोर की वजह से उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पाता है
और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है वैसे ही शार्लेट की बॉडी बीच में से फट जाती है और उसकी बॉडी के दो टुकड़े हो जाते हैं और अचानक से कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है जिससे कि एमली की मौत भी हो जाती है। अब एलेंडा एम्बर पर चिल्लाने लगती है और उसे ही ब्लेम करने लगती है कि उसी की वजह से उन सभी की जान गई है और अगर वो उनका ग्रुप ज्वाइन ही नहीं करती तो ये सब नहीं होता और वही अब सब कुछ ठीक कर दे। तब एम्बर कहती है कि वो उनका ग्रुप कभी ज्वाइन करना ही नहीं चाहती थी लेकिन वही लोग उसके पास में आए थे। वो ये भी कहती हैं कि जब वो छोटी थी तब उसकी माँ एक स्टोरी सुनाती थी जिसमें बताती थी कि एक बुरा आदमी डेमन बन जाएगा और तब ग्रह उसे लड़कर उसे हराएगी। एम्बर को तभी सारी बातें झूठी और कहानी लगती थी। फिर क्रिस्टन कहती है कि वो इंग्लैंड की लास्ट विच को मारे बिना नहीं जाएगा और एम्बर ही वो लास्ट विच है जिसके मंत्र से वो आज़ाद हुआ था और एम्बर ही अब उसे मार सकती है। वो मथियास का डायमंड अंधेरे का सहारा लेकर सभी को मार रहा था और इसीलिए अलंडा एक एक्स लेकर जनरेटर को ठीक करने के लिए जाती है जिससे कि रोशनी हो जाए और इसके बाद जब वो वापस आती है तो रास्ते में ही वो डेमन उस एक्स को अलंडा के सर में घुसाकर उसे वहीं पर मार देता है। अब वो सिर्फ तीन मेंबर ही बचे थे और वे तीनों मथियास को ट्रैप करने के लिए उस स्टार के बाहर नमक से एक सर्कल बना देती है और कैंडल जलाकर उस सर्कल में खड़ी हो जाती है लेकिन वो डेमन वहाँ पर नहीं आता है जब तक कि वो तीनों अलग होकर उस सर्कल से बाहर नहीं आ जाती जिसके बाद क्रिस्टन और जेसिका सर्कल से बाहर आ जाती है और एम्बर वहीं पर रहकर मंत्र पढ़ने लगती है। फिर वो डेमन मथियास वहाँ पर आ जाता है जिसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था और फिर वो क्रिस्टन और जेसिका को उठाकर फेंक देता है और अपनी पावर से एम्बर का गला दबाने लगता है और क्रिस्टन का सर पटक पटक कर उसे बेहोश कर देता है। वो ये भी कहता है कि वो एम्बर को जिंदा नहीं रहने देगा, उसे अब मरना ही होगा क्योंकि वो इंग्लैंड की आखिरी विच है। फिर एम्बर वहाँ से उठती है और अगेन मंत्र को पढ़ने लगती है और अपनी पावर से उस डेमन को खींचकर उस सर्कल में ले आती है और वो कहती है कि पिछले 500 सालों से वो सो रहा था और अब तक वो इतने पावरफुल हो चुकी है कि वो उसे नहीं हरा सकता। और तभी क्रिस्टन को होश आ जाता है और वो तीनों मिलकर साथ में मंत्र पढ़ने लगती है जिससे कि मथियास जलकर वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर अगली मॉर्निंग जेसिका का भाई वहाँ पर आता है और उन सभी की लाश को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो तीनों भी उस कॉटेज से बाहर निकलती है और एम्बर अपनी पावर से उस गेट को बंद कर देती है। जेसिका का भाई उसे सही सलामत देखकर उसे हग करता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में हमने देखा कि हैदर ग्रे एक विच थी और मथियास एक विच हंटर जिसने हैदर को पूरे टाउन के सामने जलाकर मार दिया लेकिन एक हैदर की बेटी भी थी जो कि उसे कहीं दूर से देख रही थी। हैदर ने खुद की जान गंवा दी लेकिन उसने अपनी बेटी का पता उन्हें नहीं बताया। उसकी बेटी एम्बर थी और उसे ये नहीं पता था कि वो एक विचर सोसाइटी से बिलोंग करती है लेकिन एम्बर से गलती से मथियास की रोजिंदा हो गई और उसने यॉर्क विचर सोसाइटी के बहुत से मेम्बर्स को मार दिया। लेकिन जब एम्बर को पता चला कि वो भी एक विच फैमिली से है तो उसने अपनी शक्तियाँ जानकर मथियास को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना क्योंकि जल्दी ही मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।